हेलो बिहार के बच्चे, आप प्रश्नावली वन की भी भारती वन के बुक का बनाना चाहते हैं। आपके बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम कर रहे होंगे क्वेश्चन जो प्रश्नावली वन की भी का होगा, तो चलिए हम आज आपको बताते हैं। क्लास 10 बिहार बोर्ड से बच्चे भारती वन का बुक बनाते होंगे, दास गुप्ता प्रसाद ठाकुर का है, प्रश्नावली वन के भी होगा और इसमें ये क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम कर रहा होगा। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला क्वेश्चन है कि धन पूर्णांक पी अभाज्य होगा यदि पी में केवल और केवल से भाग लगे। देखिए केवल और केवल यानी कि वन और पी से भाग लेगी, ये जो आपका थ्योरी होता है वो थ्योरी में ही दिया रहता है, इसलिए आप लोग सोच समझ करके इसका यूज करें। अगला है कि डैश डैश संख्या को अभाज्यों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन में यहाँ पर हो जाएगा कि यौगिक संख्या को अभाज्यों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबका आंसर हम आपको साथ साथ बताते चल रहे हैं, क्योंकि ये सब आपका ऑब्जेक्टिव की तरह क्वेश्चन है। दो पूर्णांक ए और बी सौ अभाज्य है यदि मौसा ए बी का कितना होगा, तो सौ अभाज्य होने का मतलब है कि उसका मौसा अगर एक हो रहा है तो सौ अभाज्य है, ये ऑब्जेक्टिव में आपको पूछेगा। मौसा 48-30 का मौसा कितना होगा, तो मौसा 48-30 का पीछे करेंगे तो 30-48 से होगा, क्योंकि 48-30 का मौसा बराबर 30-48 होगा, इसलिए यहाँ पर 48 चल जाएगा। मौसा ए बी गुने लॉस ए बी बराबर क्या होगा, मौसा ए बी गुने लॉस ए बी बराबर हो जाएगा ए गुने बी, तो यहाँ पर हो जाएगा ए और यहाँ पर हो जाएगा बी। इस तरीके से हम इस तरह क्वेश्चन आपको बता दिए। अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर, निम्न गुणनफल में अज्ञात संख्याओं को लिखना है। देखिए क्वेश्चन जो है बहुत इजी है, लेकिन लोगों को लगता है कि भारी है, इसीलिए हम आपको बता दें कि ऐसा कोई क्वेश्चन है ही नहीं कि जो भारी लगता है, बच्चा को बस समझ में आना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पर देख रहे हैं बहुत इजी, 17 को अगर हम 2 से गुना करें तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 34 हो जाएगा, फिर 34 को अगर 2 से गुना करेंगे तो 4 × 8 और 3 × 6 68 हो जाएगा, और उसी 68 को फिर 2 से गुना कर देंगे तो 8 × 16 6 × 12 = 13, ठीक है, 6 × 12 = 13, 136 हो जाएगा। इस तरह की क्वेश्चन है, बस इसको हमको लिख देना है। तो यहाँ पर लिखना है कि क्या सबसे ऊपर की संख्या अन्य संख्याओं को बिना ज्ञात किए मालूम की जा सकती है और क्यों। तो सबसे पहले क्वेश्चन उसी का क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का है, तो सबसे पहले देखेंगे शेष परिणाम से स्पष्ट है कि सी बराबर 34 है तो बी बराबर क्या हो जाएगा 2 से गुना कर देंगे तो 68, और ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 68 × 2 करेंगे तो 136। अब ये क्वेश्चन जो पूछ रहा है क्या सबसे ऊपर की संख्या अन्य संख्याओं को बिना ज्ञात किए मालूम की जा सकती है, तो लिखेंगे हाँ, क्योंकि बिना ज्ञात किए मालूम किया है, क्योंकि यह संख्या आवाज गुणनखंड का गुणनफल है और आवाज गुणनखंड ज्ञात है, इसीलिए हम इसको निकाल सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से इस सवाल को हम बनाते हैं, और इस सवाल को आप उतारना चाहते हैं तो उतार सकते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 2 नंबर में जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं, इस क्वेश्चन को सिद्ध करना। देखिए हम कलम लेते हैं, सबसे पहले तो 8 है, 8 से 72 में करेंगे तो क्या मरतबे भाग लगेगा, 9 मरतबे में। अभी 9 को डिवाइड करेंगे तो 3 × 3 हो जाएगा, ठीक है, तो 3 इसमें आ जाएगा, और 8 को डिवाइड करेंगे तो 2 × 4 2 × 8, तो 2 × 2 × 3 × 3 होगा, तो 2 × 2 × 2 3 × 2 हुआ, 2 × 3 बराबर में क्या कर दिया, यहाँ पर 9 रखते हैं, यानी इसमें 9 रहेगा तो ये 9 यहाँ पर गया, और 2 × 3 × 2 जो है यहाँ पर आ गया और 2 × 3 यहाँ पर गया, तो चित्त से ज्ञात है कि इतना इतना बराबर इतना, बस इतना ही हमारा आंसर करना है। तो इसे क्वेश्चन जो है दिया हुआ है लेकिन आता ज्यादातर नहीं है। निम्नलिखित का अभाज्य गुणनखंड 124 का अगर हम एलसीएम निकाले तो 2 से 62 मरतबे करेगा और 2 से 31 मरतबे, 2 × 2 × 31, हम इसको जो है 2 × 2 × 31 भी लिख सकते हैं, 2 × 2 × 31 भी लिख सकते हैं, इस तरीके से होता है। 156 को भी हम इसी तरीके से लिख सकते हैं, तो 2 × 2 × 3 × 13 लिख सकते हैं, इस तरीके से इस क्वेश्चन का भी आंसर लिखा जा सकता है। तो अभाज्य गुणनखंड में खाली होता है एलसीएम, एलसीएम अगर आपको आता है तो बहुत ईजी तरीके से आप इस तरह क्वेश्चन को बना सकते हैं, ज्यादा लफड़ा है नहीं। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 5 × 7 × 11 × 13 है, बस इसका एलसीएम निकालते चलना है। एलसीएम अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता तो आप अपने आसपास के जो टीचर्स हैं पढ़ते हैं वहां पर कहिए कि हमको एलसीएम सिखा दे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 32760, पहले तो कोशिश करिएगा कि एलसीएम में 2 से भाग करें, उसके बाद 2 से नहीं लगे तो 3 से 3 से नहीं लेते, 4 4 5 6 इस तरह से करिएगा, इसका एलसीएम इस तरीके से आवाज गुणनखंड निकल कर आएगा। अगर ये आपको कहता है तो 2 नंबर में आता है, बिहार बोर्ड ज्यादातर कस्ट में ये 2 नंबर में क्वेश्चन पूछता है। अगला क्वेश्चन है कि आवाज गुणनखंड विधि से निम्नलिखित मौसा और लौसा निकाले और तथा पुनः 1, 2 और 3 के लिए जांचे कि लौसा गुणे मौसा संख्या का गुणनफल है कि नहीं है। तो आवाज गुणनखंड विधि से हमको क्या करना है, लौसा और मौसा निकालना है, तो 6 और 20 का अगर हम करेंगे तो एलसीएम करेंगे तो 6 और 20 का 2 × 3 हो जाएगा, और 20 का करेंगे तो 2 × 2 × 5 हो जाएगा, दोनों में जो कॉमन रहेगा वो हमारा एलसीएम मौसा हो जाता है, तो ये 2 हो गया मौसा, और अगला जो है बाकी जो रहता है जिसका अधिकतम जो पावर रहता है घात वही हमारा आ जाता है, तो अधिकतम जो पावर वाला घात है, एक मिनट, अधिकतम जो पावर वाला घात है उसी को हम यहाँ पर लेंगे, तो 2 का पावर कितना अधिकतम, 2 का पावर 2 अधिकतम है, तो 2 का पावर 2 अधिकतम है, तो यहाँ पर ले लिए 2, तो 2 को 2 है तो 2 का पावर 2 ले लिए, और 1 को 3 है तो 3 ले लिए, और 5 कितना है, 5 1 है, तो 2 का देखो 1 को 2 अकेले था, 1 को 2 2 को था, तो 2 का अधिकतम मान कितना हो जाएगा, 2 को 2 × 3 × 5 15 × 7, 1 मिनट, 1 को 2 ना होगा यार, 2 को 2 कहाँ से लिख दिया, इसमें गलती हो गया, क्योंकि 20 और 6 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे
60 ही होगा, 120 नहीं, क्योंकि 20 छक 120, अगर हम इस तरह से भी एलसीएम निकालते हैं 6 और 20 का, तो आप लोग देख लीजिएगा। देखिए तो 2 से 3 लगेगा या 2 से 10 लगेगा, 10 से 20, 10 से 30, दोनों 60 होगा। चलिए मैं एक बार और समझाते, हो सकता है कि कुछ मिस्टेकिंग हो गया होगा टाइपिंग में, क्योंकि हम आपको बता दे रहे हैं, घबराइए नहीं। देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है, बस यहाँ पर आपको जो है ये वो 2 जो है उसको हटा देना था, क्योंकि यहाँ पर एक 2 एक्स्ट्रा आ गया। चलिए अच्छा, 2 एक्स्ट्रा कैसे आ गया, सही था हम यार, कम भी कन्फ्यूजन हो रहा है। 2 × 2, 2 × 2 = 4 थी, 12×5 = 60 है सर, सही से। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा मिस्टेक होता है तो इसको ध्यान में रखिएगा। और इसको देखिए 2 के पावर 2 है, तो जिसमें ज्यादा 2 होगा वही लेंगे। तो 2 के पावर इसमें देखिए 2 × 2 है और इसमें 1 × 2 है, तो 2 × 2 वाला ज्यादा मजबूत होगा, तो 2 के पावर 2 ले लिए। और 3 के पावर 1 है तो 3 × 5, ठीक है, तो 2 × 2 = 4 थी, 12×5 = 60 हो जाएगा। देखिए मिस्टेक हो गया, सॉरी यार, थोड़ा सा दिमाग कन्फ्यूजन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला 17 और 25 के यहाँ पर हम ले लेंगे, 5×5 = 25, 17 का हो जाएगा 1 × 17, 25 का हो जाएगा 1 × 5 × 5, दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं रहेगा, तो इसका मतलब एक कॉमन है तो मसा हो जाएगा 1, और इसका एलसीएम निकालेंगे तो 17 × 5 × 5 कर देंगे, 1 से कोई फर्क पड़ता नहीं, इसे 1 आप लिख सकते हैं, बाकी 425 इसका एलसीएम हो जाएगा। अगला 510 और 92, तो 510 का निकालेंगे तो 2 × 3 × 5 × 17, और इसका करेंगे 2 × 2 = 23, तो दोनों में 2 कॉमन है तो मसा हो गया 2, और घात देखिए 2 का घात 2 है, इसका मतलब है कि 2 का घात 2 ले लेंगे, ओकरा बाद 3 ले लेंगे, ओकरा बाद जो है 2 का घात 2 बारी है, तो इसमें 3 बारी कहां से आ गया यार, 2 का घात 2 ही होगा, इसमें 2 है, इसमें 2 × 3 × 5 × 17 × 23, ठीक है, ये होगा, इसमें जो 3 × 2 आया हुआ है, लेकिन 2 के पावर 2 है घात ना, 92 में आपका कितना है 246, फिर अभी लगेगा, ओ हो हो यहाँ पर ये गड़बड़ कर दिया भाई, इसीलिए यहाँ पर 2 × 2 × 23 नहीं होगा, 23 × 2 = 46 × 92, ठीक है, 2 × 2 करेंगे तो 23 मतलब है, और ठीक है, लेकिन यहाँ पर बात जो है एक मिस्टेक कर दिया, यहाँ से एक 2 हट जाएगा, बाकी कुछ भी नहीं है, 2 × 2 × 3 × 5 × 17 × 23। देखिए हम आपको हर चीज़ की सत्यता जांच करके देंगे, घबराइए नहीं, क्योंकि हो सकता है कि कुछ मिस्टेकिंग हो जाता है, बच्चे लोग जो टाइप करते हैं, क्योंकि हमारे पास तो टाइम रहता नहीं है, तो हम दे देते हैं कि इसका टाइप करो, सोल्यूशन तुमको दे देते हैं, और कुछ मिस्टेक कर देता है तो आप लोग घबराइए नहीं, हम आपको सत्यता की जाँच करके आगे हम बढ़ाएंगे, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन है, यहाँ में से वो 2 खाली गायब कर देना, बाकी हमारा आंसर उतना आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 6, 72 और 120 का हमको निकालना है, तो 6 का निकाल लेंगे 2 × 3, 72 का 2 × 2 = 6, ठीक है, 2 × 12 = 24 होता है, अलग अलग किया है, इसे आप 2 के पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक है, तो और 120 का भी उसी तरह से अलग कर दिया, क्योंकि कॉमन लेने के लिए आप ऐसे भी लिख सकते थे, घबराइए नहीं, ठीक है, 2 × 3 = 6 की जगह 72 की जगह आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, तो 2 × 2 × 2 × 3 × 2, ठीक है। अब देखिए ओकरा बाद है 120 के जगह भी हम उसी तरीके से लिख सकते थे जैसे आप लिखना चाहते हैं, 2 के पावर 3 है तो सीधे लिख दीजिए 2 के पावर 3 गुने में हो जाएगा 3 × 5। अब कॉमन कौन कौन है उसको देखना है, तो इसमें 2 सब में है और 3 भी सब में है एक उनको, इसका मतलब है कि 2 × 3 = 6 मसा हो गया, बाकी 2 का पावर अधिकतम कितना है, 2 का पावर अधिकतम 3 है, तो 2 का पावर अधिकतम 3 है, तो 3 × 2 ले लेंगे, ठीक है, और 3 के पावर अधिकतम कितना है, 2 × 3 = 3 ले लेंगे, 5 अकेले है 5 गुना कर देंगे 360। देखिए ये क्वेश्चन में ज्यादा प्रॉब्लम तो होना नहीं चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, उसी तरीके से 17, 23 और 29 का है, दोनों में 3 में कोई कॉमन नहीं, तो 1 हो जाएगा, और 17 × 23 × 29 कर देंगे, इसका एलसीएम यहाँ पर निकल करके आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 5, 5040, 805, 990, यहाँ से आप देख सकते हैं, और इस अनुसार से दोनों में जो कॉमन होगा, तो तीनों में कॉमन देख रहे 5 है, तो 5 को लिए, और लॉसा जो है निकाल करके जो जिसका मान अधिकतम है, तो 2 का घात जो अधिकतम 2 है, 3 का घात जो है अधिकतम 3 है, तो 3 × 3 लिए, 5 भी लिए 7 भी लिए और 23 भी लिए 11 भी लिए, इस अनुसार से इसको निकाल करके इतना आंसर आ गया। अगला 8, 9, 25 का, तो उसी तरीके से हम करेंगे, तीनों में कॉमन 1 है, और उसके बाद जो है पावर 2 का 3 है, और 3 का 2 × 5 का 2 × इस तरह से गुना करते चल जाएंगे, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है जांचना है, तो 2 × 60 = 120, 6 × 20 = 120, दोनों बराबर आ रहा है, तो हाँ 1 × 425 = 425, 17 × 25 = 425 आ रहा है, दोनों 30 में सब में बराबर आ रहा है, बस जांच करके दे देना था। 5वां नंबर क्वेश्चन है 12,576 और 4052 का अंकगणित के मूलभूत प्रमेय से
मौसा ज्ञात करना, फिर मौसा की सहायता से लौसा निकालना। देखिए 12,576 है और 40 से बाबा ने दोनों काम क्या करेंगे, पहले तो मौसा निकालेंगे 12,576 2×2×2×3 और उसके बाद 40 से बाबा का 2×2×1 10 13 दोनों में कॉमन क्या है 2 2 है तो मौसा हो गया 4 और लौसा निकालने के लिए पावर देखेंगे 2 का मैक्सिमम पावर कितना है 1 2 3 4 5 है तो 5 को पहले तो 2 लिखेंगे ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि 3 है तो 3 अकेला है तो अकेला ले लेंगे, 13 है तो सॉरी 131 है 131 कहाँ से आते तोरी के मिस्टेक कितना कर दिया भाई तुरे 131 जो है कहाँ से आएगा 131 तय भी नहीं करेगा 131 किस में है इसमें हमको ये लगता है 131 लास्ट में होगा हाँ इसी में होगा 131 जो है ऊपर का में छूट गया हुआ। चलिए तो 131 ले लिए 213 ले लिए इसके बाद ये आंसर हमारा आ गया ठीक है। इस तरह क्वेश्चन ज्यादा भारी नहीं देगा बहुत हल्का देता है ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, लौसा गुने मौसा बराबर संख्याओं का गुणनफल होता है तो 12,576 × 40 बटे में मौसा और 12,576 × 40 बटे में मौसा कितना 4 लिख करके लिखे तो इतना बराबर इतना आया तो बराबर हो गया। इसका मतलब है कि ये सीध हो गया, इसका मतलब क्या है कि ये सीध हो गया। हम आपको मिटा करके बढ़िया से दे देते हैं, यहाँ से आप समझ सकते हैं, कोई भी कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, आवाज गुणनखंड की प्रक्रिया से 96 और 404 का मौसा निकाले फिर मौसा की सहायता से लौसा निकाले। बस वही क्वेश्चन है, दोनों का निकाल देंगे इस तरीके से, यहाँ पर निकल करके आएगा 404 का ये निकल कर आएगा, मौसा दोनों में कॉमन जो है 2×2 4 हो जाएगा। लौसा निकालना है तो 2 का पावर देख रहे क्या हो जाता है तो 2 जो है 2 3 4 5 हो गया तो 5 को 2 ले लेंगे, 3 जो अकेले है अकेले ले लेंगे 101 है दोनों को गुना करेंगे 96 196 इसका आंसर आ जाएगा। फिर जांच करना है तो लौसा गुने मौसा बराबर होता है संख्याओं का गुणनफल फॉर्मूला होता है तो लौसा बराबर क्या हो जाएगा संख्याओं का गुणनफल गुने में मौसा तो संख्याओं का गुणनफल कितना होगा 96 × 404 ठीक है ये है 4 बराबर 96 × 404 बटे में हो जाएगा 4 ठीक है। लौसा बराबर ये फॉर्मूला निकल करके आएगा और 96 × 404 बटे में 4 से काटेंगे तो 4 से 96 24 मरतबे में और 24 × 404 करेंगे 9696 आ जाएगा। यदि लौसा बराबर इतना 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 हो यानी 306 और 657 का लौसा बराबर इतना हो तो मौसा इतना इतना का निकालना है तो चलिए मौसा निकालना, मौसा बराबर होता है मौसा गुने लौसा बराबर दो संख्या गुणनफल तो मौसा बराबर हो जाएगा इतना गुने इतना ठीक है यानी 2238 × 306 मौसा निकालना है तो 306 × 657 बटे में हो जाएगा ये दोनों मान को यहाँ पर ठीक है। ये दोनों मान को भाग करेंगे और भाग करने के बाद हमारा आ जाएगा 2,01,42 बटे में 22,338 काटेंगे 9 मरते में कट जाएगा और आराम से इसका आंसर आ जाएगा। अगला है कि जांचे कि क्या किसी प्राकृत संख्या एन के लिए 4×n यानी 4×n के अंत में 0 आ सकता है तो देखिए 4 बराबर क्या हो जाएगा 4 बराबर होता है 2×2 उसी तरह से 4×2 करेंगे तो 4×8 यानी 4×2 करेंगे यहाँ पर पावर हो जाएगा ये जो है ना ये ऊपर की तरफ पावर में जाएगा घबराइए ना हम इसको कर देते हैं ये आपका जो है पावर में है ऊपर की तरफ ठीक है। तो ये ऊपर की तरफ है इसमें भी 3 जो है इसमें भी ऊपर की तरफ है ठीक है और इसमें भी 4 जो है ऊपर की तरफ है और यहाँ से ये बात क्लियर हो जाएगा तो 4×1 था तो 4×2 4×4 का मतलब 4×2 4×4 16 4×4 16 उसके बाद करेंगे 2×2 8×2 16 उसी तरह 4×3 है तो 3×4 और उसको डिवाइड करते लिखते चलेंगे 4×4 है तो 4×4 और उसके बाद 2×2 करके लिखते चलेंगे। इस प्रकार हम पाते हैं कि 4×n के यानी कि 4×n जो n है ये n जो है ऊपर की तरफ रहेगा घबराइए ना आपके बुक में दिया होगा 4×n के 4×n के गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड 2 है फिर अंकगणित के मूलभूत प्रमेय से 4×n के 4×n जो n है उसका कोई दूसरा अंक जो है अभाज्य गुणनखंड संभव नहीं है यानी कि 4×n के अंत में 0 तब होगा जब 2 के अलावा अभाज्य संख्या 5 से विभाज्य हो अर्थात 4n के अभाज्य गुणनखंड में 5 रहना चाहिए किंतु ऐसा नहीं है अतः किसी प्रकार की संख्या n के लिए 4×n के अंत में 0 नहीं होगा। इस तरीके से क्वेश्चन हो गया, जांचे कि क्या किसी प्रकार की संख्या n के लिए 15n के अंत में 0 आ सकता है तो लिखेंगे 15 = 3×5×, ठीक है उसी तरह 15×2 है तो 15×15 3×5×3×5 इसमें हो जाएगा 3×5 3×5 3 बड़ी इसमें 3×5×3×5 4 बड़ी क्योंकि 15×n के गुणनखंड में अभाज्य संख्या है 5 है इसलिए 15×n के अंत में 0 आ सकता है, दूसरे का में आ सकता है पहला में नहीं आ सकता। इस तरीके से चैप्टर को हम पूरा सोल्यूशन कर दिए। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए और इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तब सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो बेकार में सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन मत गिरवाइए।